सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल DIY विद अनु को, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY विद अनु। आज मैंने बनाया है ये ब्यूटीफुल सा ट्राइबल टी लाइट कैंडल होल्डर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम इस शोपीस का बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस शेप में काटा है। मैंने इसके 3 पीसेस काटे हैं। अब मैं इन तीनों पीसेस को ग्लू गन की हेल्प से आपस में स्टिक कर दूंगी। अब मैंने एक ये मेटल की वायर ली है। इस वायर का लेंथ अराउंड 65 सेंटीमीटर है। मेरे पास ज़्यादा मोटी वायर नहीं थी, इसीलिए मैंने ये पतली वायर ली है और मैंने टोटल 4 वायर्स ली हैं। अब इस तरह से मैं उसको फोल्ड करते वक्त एक लूप बनाऊँगी। ये जो लूप बना है ये हमारा हेड का पोर्शन है। अब मैं इसको आगे की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए और एक लूप बनाते हुए इसके हैंड्स बनाऊंगी। इसके हैंड्स की जो लेंथ है वो अराउंड 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह हम उसका दूसरा हैंड भी रेडी कर लेंगे। अब हमारा इसका फेस और हैंड का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है। फिर मैंने 65 सेंटीमीटर लेंथ की वापस 4 वायर ली हैं और इनको मैं इसके नेक के एरिया में इस तरह से फोल्ड करते हुए थोड़ा सा आगे लेके आऊँगी। ये हम शोल्डर बना रहे हैं, दोनों साइड हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद इसको हम नीचे की तरफ इस तरह लाकर फोल्ड करेंगे और इसका जो लेंथ है अराउंड 8.5 सेंटीमीटर है। अब मैं इसके लेग्स बना रही हूँ। लेग्स के लिए भी मैं आगे इस तरह एक छोटा सा लूप बनाते हुए वायर को पीछे की तरफ फोल्ड कर दूँगी। इसके जो लेग्स का लेंथ है वो अराउंड 14 सेंटीमीटर है। हमें वायर के इस तरह के 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनकर अब तैयार हो गया है, जो कि हमने पूरा वायर से बनाया है। ये कुछ न्यूज़पेपर ट्यूब्स हैं जो कि मैंने न्यूज़पेपर फोल्ड कर कर बनाई हैं। लेफ़्ट साइड भी 3 लगाऊंगी और राइट साइड भी 3 लगाऊंगी। इससे हमारे जो शोल्डर वाला एरिया है उसको थोड़ा सा वॉल्यूम मिलेगा। नीचे वाले एरिया को मैं इस तरह से वायर से बांध दूंगी ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। अब मैंने ये फिर थोड़ी छोटी न्यूज़पेपर वाली ट्यूब्स ली हैं। इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके बॉडी के नीचे वाले एरिया में लगाऊंगी। इनको भी मैं एक मेटल वायर की हेल्प से बांध दूंगी। दो दो ट्यूब्स दोनों साइड छोड़ते हुए बाकी के ट्यूब्स को मैं काट दूंगी। इससे हमारा जो हिप्स वाला एरिया होगा उसको भी थोड़ा सा वॉल्यूम मिलेगा। अब मैं इस वायर के फिगर को फॉइल पेपर से प्रॉपरली कवर कर दूंगी। इसके फेस, इसके हैंड्स, इसके पूरी बॉडी, इसके लेग्स, सब कुछ कवर करूंगी। फॉइल पेपर से कवर करते वक्त हमें इस तरह से बॉडी को कवर करना है कि उसकी शेप प्रॉपर आए। अब हम फॉइल पेपर के ऊपर मास्किंग टेप लगाएंगे ताकि फॉइल पेपर अच्छे से स्टिक हो जाए। इस तरह मैंने मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर बना लिए हैं और इनको फॉइल पेपर और मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। ये मेरी होममेड सेरामिक क्ले है। अगर आपको जानना है कि ये सेरामिक क्ले मैंने कैसे बनाई है तो इसके मैंने वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों फिगर्स को सिरामिक क्ले से कवर करूंगी। हमें ये ध्यान रखना है कि इसके हैंड्स के जॉइंट और लेग्स के जॉइंट को हम अभी क्ले से कवर नहीं करेंगे। इसका मैं रीज़न आपको कुछ देर बाद बताती हूँ। मैंने इस तरह दोनों फिगर्स को सिरामिक क्ले से कवर कर दिया है।
मैंने एक ये प्लास्टिक बॉटल की कैप ली है। आपको किसी भी एक ऐसी बॉटल की कैप लेनी है जिसके अंदर आपकी टी लाइट कैंडल फिट हो जाए। अब इनके हैंड्स पर ये जो बॉटल की कैप है, हम इनको ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अब हमने एयर ड्राई क्ले ली है, यहाँ मैंने फेविक्रिल मोल्डेड लिया है। हम इस एयर ड्राई क्ले से अब इसकी पूरी बॉडी को कवर कर देंगे, स्पेशली वो एरिया जो विजिबल होने वाला है, जैसे इसका फेस, इसका शोल्डर वाला एरिया, इसके हैंड्स, इसके लेग्स के नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन। ये मैंने थोड़ी सी क्ले लेकर इसके चिन वाला एरिया बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको इनके हैंड्स और लेग्स के जॉइंट पर सेरामिक क्ले से कवर करने को इसलिए मना किया था ताकि हम इनके हैंड्स को एडजस्ट कर सके टी लाइट कैंडल होल्डर को पकड़ने के लिए। अगर हम उनके ऊपर सेरामिक क्ले लगा देते तो फिर हम इनके हैंड्स को एडजस्ट नहीं कर पाते। वैसे ही लेग्स के साथ भी है। अभी हम लेग्स को बेस पर लगाएंगे तो हमें इनके लेग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर हम उस पर सेरामिक क्ले लगा देते उनके जॉइंट्स पे तो हम उसके लेग्स को भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम इस लेडी की टर्बन बना रहे हैं। टर्बन बनाने के लिए मैंने इस तरह से क्ले को रोल कर लिया है, और ये पतली सी क्ले की स्ट्रिप हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके हेड पर लगा देंगे, तो इससे हमारी टर्बन बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके ईयर्स बना रही हूँ, और ये मैंने थोड़ी सी इसकी टर्बन को डेकोरेट कर दिया है। ये मैं इसकी नेक ज्वेलरी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ही पतला सा एक कार्डबोर्ड लिया है, और एयर ड्राई क्ले से इस तरह से मैं इसको डेकोरेट करूँगी, तो इसका नेक पीस बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इस तरह से इसको इसके नेक पे फिट कर दिया है। अब मैं इसकी नोज़ बनाऊंगी। नोज़ बनाने के लिए मैंने बिल्कुल एक छोटा सा एयर ड्राई क्ले का टुकड़ा लिया है और उसको टीयर ड्रॉप शेप बनाई है। अपने हाथों से इस तरह से मैं इसको शेप देते हुए फेविकॉल की हेल्प से इसके फेस पर लगा दूंगी। कोई भी शार्प टूल लेके मैं दो होल्स बना दूंगी जो कि इसके नॉस्ट्रल्स जैसे दिखेंगे। मैंने एयर ड्राई क्ले से इस तरह से दो पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं जिससे मैं इसका टॉप बनाऊंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए और कट करते हुए हमें इसके अपर बॉडी को कवर कर देना है। इस तरह से हम इसका टॉप भी डेकोरेट करेंगे। ये मैंने सारा एयर ड्राई क्ले से ही किया है। अब हम मेल फिगर की बॉडी को भी कवर करेंगे। हम इसका टॉप बनाएंगे। इसके लिए मैंने एयर ड्राई क्ले इस तरह से राउंड शेप में रोल कर ली है, और इसकी बॉडी पर रख कर मैं इस क्ले को प्रॉपर जो भी हमें डिज़ायर्ड शेप चाहिए वो काट लेंगे। हाथों से प्रॉपरली शेप देंगे, और इसके बैक पोर्शन को भी हम एयर ड्राई क्ले से कवर कर देंगे, और अपने हाथों से प्रॉपरली फिनिशिंग देंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा वाटर या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेलकम पाउडर यूज़ किया है यहाँ। अब हम अपने दोनों फिगर्स को बेस पर लगाएंगे। इन दोनों फिगर्स को कार्डबोर्ड के बेस पर मैंने ग्लू गन की हेल्प से लगाया है। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ इन दोनों के हैंड्स टच हो रहे हैं तो इन दोनों के हैंड्स को भी हम या तो सेरामिक क्ले से या फिर एमसिल से या फिर एयर ड्राई क्ले से थोड़ा सा स्टिक कर देंगे ताकि ये बेस पर प्रॉपरली खड़े रह सके। मैंने यहाँ पर इन दोनों के हैंड्स को एमसिल से ज्वाइन किया है। ये एक पेस्ट है जो कि मैंने सेरामिक पाउडर, फेविकॉल और वाटर को मिक्स कर बनाया है। 2 स्पून सेरामिक पाउडर, 1 स्पून फेविकॉल और 1/2 स्पून वाटर, इनको मिक्स करके ये मैंने पेस्ट बनाया है। आप सेरामिक पाउडर की जगह वॉल पुट्टी पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इस कार्डबोर्ड के बेस को इस पेस्ट से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि बेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले, और ये जो हमने फिगर्स स्टिक किए हैं इनके भी लेग्स के नीचे वाले एरिया को थोड़ा थोड़ा सा हम इस पेस से कवर करेंगे ताकि ये बेस से अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हमें इसके फीट बनाने हैं। इसके लिए मैंने एयर ड्राई क्ले को इस तरह से थोड़ा सा इसके पैरों के नीचे वाले हिस्से पे लगा दिया है। बैक साइड से भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे
अपने हाथों से प्रॉपर शेप देंगे और एक नाइफ लेकर इस तरह से हम इसके पैरों के टोज और फिंगर्स बना देंगे। राउंड टूल से मैंने थोड़ा सा ऐसे इम्प्रेशन दिया है ताकि वो दिखने में नेल्स जैसा लगे। अभी मैंने लेफ्ट फुट बनाया था, अब मैं राइट फुट बनाऊंगी। इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब मैं आपको इसके हैंड्स बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह से क्ले को थोड़ा सा टीयर ड्रॉप शेप में रोल कर लिया है और इसके हाथों की तरफ आगे लगाते हुए मैं इसको प्रॉपर मेज़र कर लूँगी। फिर नाइफ की हेल्प से मैं इसमें थंब और फिंगर्स बना लूँगी। इनको मैं प्रॉपर शेप दूँगी और इसके हैंड्स में आगे की तरफ लगा दूँगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एयर ड्राई क्ले इसके हाथों पे स्टिक कर दी है और इसको शेप देने के बाद हम नाइफ की हेल्प से इसके थंब और फिंगर्स बना देंगे। ये जो शोपीस है वो मेरे हाथों से गिर गई थी और ये जो फीमेल है इसकी नेक टूट गई थी, तो मैंने उसको एमसिल की हेल्प से फिक्स कर दिया और जो थोड़ी बहुत एमसिल बची थी मैंने उससे इसके हैंड्स की ज्वेलरी बना दी है। अब ये जो फीमेल फिगर है इसके लिए हम स्कर्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक वेस्ट क्लोथ लिया है। ग्लू गन से इस तरह से इसकी बॉडी पर इस क्लोथ को स्टिक करते हुए हम इसके चारों तरफ इसको रैप करेंगे। पीछे की तरफ भी मैंने इसको थोड़ा सा ग्लू गन से चिपका दिया है ताकि वो इसकी बॉडी को प्रॉपरली होल्ड करके रखे। और जो एंड पोर्शन है उस पर मैंने छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाई हैं, इन प्लीट्स को भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब मैं इसको आगे की तरफ इस तरह से स्टिक कर दूंगी ताकि ये दिखने में स्कर्ट जैसा लुक दे। अब ये मैंने एक पिंक कपड़ा लिया है और मैं इसको आगे की तरफ इस तरह से इसकी स्कर्ट पर टाई कर दूंगी। ये जो मेल फिगर है हम इसकी भी धोती बनाएंगे। इसके लिए भी मैंने इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में ब्लू कलर का एक कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से तीन फोल्ड करेंगे। ग्लू गन की हेल्प से स्टिक किया है मैंने। अब इसको भी हम इसकी बॉडी के चारों तरफ रैप कर देंगे। ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है मैंने और इसके बेल्ट बना दी है। अब हम इसकी बॉडी, फेस और इसके लेग्स को पेंट करेंगे। जो जो एरिया बॉडी का विजिबल है बेसिकली उसको कवर करेंगे। इसके लिए मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर मिक्स करके यूज़ किया है। मैंने एक्रिलिक पेंट्स लिए हैं। मैंने इसके बेस पर भी ब्राउन कलर कर दिया है। जो मेल है उसके टॉप पर मैंने ऑरेंज किया है और जो फीमेल है उसके टॉप पर मैंने ब्लू किया है। अब जो मेल है उसके हेड के लिए हम ज्वेलरी बनाएंगे। इस तरह से मैंने एयर ड्राई क्ले से पतली कॉइल्स बना ली हैं और जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे वैसे आपको ज्वेलरी बनानी है। मैंने इसके नेक के लिए भी कुछ ज्वेलरीज बनाई हैं।
थोड़ा सा अब हम टी लाइट कैंडल होल्डर को भी डेकोरेट करेंगे। मैंने ये दो फिगर्स के जो हाथों और पैरों के कड़े हैं उनमें सिल्वर कलर कर दिया है, ये मेटालिक सिल्वर कलर है। हम इसकी ज्वेलरी को भी ब्लैक एक्रिलिक पेंट से कवर कर देंगे और फिर बाद में मेटालिक कॉपर से। बाकी बची हुई ज्वेलरीज को मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है। बॉटल के कैप से जिससे हमने टी लाइट कैंडल होल्डर बनाया है उसको मैंने ग्रीन और गोल्डन से कवर किया है। फीमेल के टॉप पर मैं 3D आउटलाइनर से कुछ पैटर्न बनाऊंगी। ये मेरा होममेड 3D आउटलाइनर है। अगर आपको जानना है ये मैंने कैसे बनाया है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। हम ट्राइबल फिगर्स बनाएं और उनके फेस पेंटेड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने इनके फेस को गोल्डन येलो कलर से पेंट कर दिया है। अब हम अपनी टी लाइट कैंडल्स को इन होल्डर्स में एडजस्ट कर देंगे और इस तरह हमारा एक प्यारा सा टी लाइट कैंडल होल्डर बनकर तैयार हो गया है। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय। Thank you.